जब सब लोग टीवी पर क्रिकेट देख रहे थे, मैंने पहली बार मेरे पिताजी की आंखों में क्रिकेट देखा। सारा गांव उन्हें क्रिकेट का दीवाना कहता था। देखा, मेरी बेटी जो यहाँ बैठी है, ये बड़ी भागों वाली है, इसने जिता दिया हमारे देश को। हमारे खिलाड़ियों ने तो कुछ किया ही नहीं ना, तुम्हारी बेटी ने ही चौके छक्के मारे। चलो चलो जाओ जाओ, घंटे का टाइम खोटी मत करो। कौशी, तेरी अम्मा ने खाना बनाया, यानी उसे शक नहीं हुआ। अरे क्या कर रहे हैं, इतना आसान क्या छोड़ दिया यार, कौन भर्ती करता है इनको टीम में। एक गुड़िया रानी, देखो पापा क्या लाए हैं। देर हो गई भाई, क्या कर रहे हैं खिलाड़ी। क्या बोलूं यार, हमारे पास के गांव का लड़का बहुत सही खेल रहा है, पहली मैच में सेंचुरी बनाई थी उसने। मैं बता रहा हूँ, आगे जाके ये इंडियन टीम का कैप्टन बनेगा भाई। हाँ भाई, सोच ही रहा था कि आज इसे अस्पताल ले जाऊं। क्या हुआ? अरे कीपर को आंख में लग गई। ओए, वही जिसने अभी अभी शतक लगाया। हाँ। चिल्ला क्यों रही हो? देख रहे तो इसे, तुम बाहर जाओ। बिगाड़ के रखा हुआ है अपनी लाड़ी को। कौशी, टीवी का आवाज मत बढ़ाना, अपने पापा को स्कोर बताते रहना। ठीक है। मेरे बापू। मेरे दादाजी के मौत पर भी मैंने उन्हें रोते हुए नहीं देखा, पर captain of this Indian cricket team, strong. बाबा क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, तुम जाकर सो। There's still another game, and they go through. India go home. बाबा स्कूल आ गया। बाय बाबा। बच्चों, अगले महीने हमारे स्कूल का स्पोर्ट्स डे है, जो जो बच्चे जिन जिन खेलों में भाग लेना चाहते हैं वो अपना नाम मुझे लिखवा दें। चलो आ जाओ। नीलम खो खो सर। नीलम खो खो। एस दिव्या खो खो। सबको खो खो खेलना है, कोई और खेल नहीं है क्या? आर मीनाक्षी थ्रो बॉल। मीनाक्षी थ्रो बॉल, बैठ जाओ। कौशल्या क्रिकेट। क्या क्रिकेट? पिछली बार सेमीफाइनल में हार गए थे हम, याद है ना? इस बार अच्छे से खेलना, ठीक है? जाओ तुम लोग। सर। हाँ बोलो, कौन सा खेल है तुम्हारा? सर क्रिकेट। स्कूल में क्रिकेट नहीं खेला जाता बेटा, कोई दूसरा खेल हो तो उसमें अपना नाम लिखवा दो। सर क्रिकेट। अरे क्या क्रिकेट, क्रिकेट लगा रखी है तब से। सर जब इंडिया हारी थी तो मेरे बाबा बहुत रोए थे। अच्छा, तो मुझे क्रिकेट खेलकर उनका दिल जीतना है ताकि उनको खुश कर सकूं। खुश रखना चाहती हो ने, तो अच्छे से पढ़ाई करो। सर क्रिकेट। अरे बेटा तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई, मैंने बताया था ना क्रिकेट ऐसा खेल है जो अकेले नहीं खेला जाता है, 11 लोगों की टीम लगती है उसमें। जाओ पहले 10 खिलाड़ी ढूंढ के लाओ, उसके बाद बात करेंगे। जाओ। क्या कौशी, एग्जाम की तैयारी हो गई है क्या? कौशी कह रही है उसने पूरी तैयारी कर ली। कौन पढ़ता है? तो क्या कल से स्कूल नहीं आएगी? नहीं आऊंगी। तो फिर? मुझे प्रीति सर ने ग्राउंड पर क्रिकेट खेलने बुलाया, अब मुझे स्कूल आने की जरूरत नहीं है। मुझे पता होता तो मैं भी क्रिकेट चुनती। अभी देर नहीं हुई है, मैं सर से बात करूंगी, वो मना नहीं करेंगे। ए, इधर। सर। हा? ये तो ये है तुम्हारी क्रिकेट टीम? हाँ जी सर, खेलना शुरू करें। क्रिकेट खेलना चाहते हो? 7 बजे तक रुकना पड़ेगा। ठीक है सर। क्या 7 बजे? चल चलते हैं। और हाँ सुनो, लड़के लोगों के साथ भी खेलना पड़ेगा तुमको। ठीक है सर। लड़कों के साथ? मेरे पापा को पता चल गया तो मार डालेंगे। चल चलते हैं। और हाँ एक जरूरी बात, हर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स भी लाने होंगे। इतने मार्क्स तो मैं नहीं ले आ पाऊंगी, मुझे नहीं खेलना, मैं जा रही हूँ। क्रिकेट खेलने के लिए फिटनेस सबसे जरूरी है,
और आज से तुम लोगों का तला हुआ और मीठा खाना एकदम बंद। ठीक है सर, और कुछ? अभी भी क्रिकेट खेलना चाहती हो? हाँ सर। खेल तो सकती हो, बाकी की टीम कहाँ है? यहाँ। क्रिकेट लड़कों का खेल है बच्ची, ये खेल खेलना लड़कियों की बस की बात नहीं है। लड़के तो खेतों जंगलों में कहीं भी खेल लेंगे, लड़कियां खेल पाएंगी क्या? नहीं ना। वो वहां देखो हैंडबॉल है, बैडमिंटन है, जो दिल करे खेलो। ठीक है जाओ, मैं चलता हूँ। हमारे स्कूल में ऐसी 10 लड़कियां भी नहीं थी जो क्रिकेट खेलना चाहती थी, और लड़कों के स्कूल में 10 अलग अलग टीम क्रिकेट खेल रही थी। ए, चलो निकलो यहाँ से, खाली करो। चलो चलो चलो, चलो, चलो। तेरे को बोल रहा हूँ, दोबारा मत आना इधर, चल चलते। तुझे मैं अलग से बोलूँ क्या? चल निकल। ए, कितनी बार तेरे को समझाऊं कि डिफेंस खेल? डिफेंस ही खेला था भाई, बॉल दूर गई तो मैं क्या करूं? जा बॉल ले क्या? भाई इस बार तू ले, अगली बार मैं ले आता हूं। छोटी, पिच के नजदीक नहीं आना, ठीक है? नहीं तो चोट लग जाएगी, दूर बैठकर देखना। ओके भैया। चल बॉल थ्रो कर, अरे जल्दी फेंकना यार। ओहो जबरदस्त। अरे यार पीटर। हाँ। ये कौशिया क्या कर रही है? मुझे क्या पता, वो तो तेरी बहन है ना, जाके पूछ। मुझे और कोई काम नहीं है क्या? ए, चलो 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 रेडी। कौशिया रोज रोज क्यों आ जाती है? इसकी माँ को पता चला तो गई है समझो। तेरी बहन है ना, तू जाके क्यों नहीं बोलता? कौशी तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, माँ को पता चला तो मारेगी बहुत। जाओ घर जाओ। ठीक है भैया। ए, रोज ही हम लोगों के लिए बॉल लेकर आती है, एक ओवर इसे भी खेलने देना। चल आने दे। कौशी जा बैटिंग कर। ये तो बहुत भारी है भैया। कौशी हा? तुम्हारे लिए छोटा बैट लेकर आएंगे, तब आराम से खेलना, ठीक है? पर मैं बॉलिंग कर सकती हूँ। ओ तो बॉलिंग भी आती है तुम्हें? चुप कर, आजा बॉलिंग कर ले कौशी। तो तुम सिर्फ बॉलिंग करना चाहती हो? तेरे को बैटिंग करना था ना, क्या जाके बैटिंग कर। लेकिन मैं नंदू भैया को नहीं, आनंद भैया को बॉल करूंगी। यहाँ सबसे अच्छा आनंद भैया ही खेलते हैं। ठीक है आनंद भैया को डालो। क्या बात है नंदू, तेरे बैटिंग की महिमा तो सब जानते हैं। अरे बाप रे, स्टेप ले रही है तू, क्या बात है। फिर से डालो कौशी। ए नंदू दांत क्या फाड़ रहा है? तू लड़की होता ना तो तेरा बाप तुझे आने भी नहीं देता। गौर से देख, बॉल को ऐसे दो उंगलियों के बीच में पकड़ के बॉल को फेंकते वक्त उंगली को ऐसे घुमाते हैं, उसके बाद बॉल को छोड़ते हैं। अगर तुम दिन रात प्रैक्टिस करोगी तो अच्छे से बॉलिंग सीख जाओगी, ठीक है? ठीक है भैया। बाबा बाबा बाबा, एक मिनट रुकिए।
क्या बात है, मुझे ये बताओ अचानक कपिल देव पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? हाँ, ओहो, घास भी खिला रही हो इसे। आखिर हमारी कौशी मंजुनाथ को क्या चाहिए भला? कुछ भी तो नहीं। ये बात है तो हम चलते हैं। बाबा बाबा। बोलो बोलो। मुझे ना बॉल चाहिए। लो इतनी सी बात, पानी की टंकी में है क्या? अभी ले आता हूँ। बाबा वो बॉल नहीं। तो फिर टीवी पर जो क्रिकेट बॉल दिखाते हैं ना वो, उसका क्या करेगी तू? आप क्यों जाना चाहते हैं? अगर आपने मुझे बॉल नहीं दिलाया तो मैं खाऊंगी नहीं, सोऊंगी नहीं, आपसे बात भी नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है ठीक है। कौशी पैसों की इतनी तंगी चल रही है और तू बाबा से चीजें मंगवा रही है, शर्म नहीं आती तुझे? क्या प्रॉब्लम है, अपने बाबा से मांगी ना, आपके बाबा से नहीं। बीच में मत बोलिए। देखा आपने कितनी जुबान लड़ाती है ये? जैसी माँ वैसी बेटी। अरे ये क्या, तेरी उंगलियों पर इतने छाले क्यों पड़े हुए हैं? कुछ भी नहीं है माँ, क्रिकेट खेलते खेलते बॉलिंग करते करते उंगलियां ऐसी हो ही जाती हैं। कौन है ये लड़कियाँ जो हमारे गांव में आके क्रिकेट खेल रही हैं? लड़कियाँ नहीं माँ, लड़के खेलते हैं। क्या? आनंद भैया, पीटर भैया और सत्या भैया के साथ। इतनी बड़ी हो गई, घर का एक काम नहीं करती, रसोई में मेरी मदद नहीं करती और बाहर जाकर लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। देखो ना बाबा, आपका गुस्सा मुझ पर निकाल रही है। हाँ, उसका मन तो करता है कि वो मुझे मारे, लेकिन मुझे मार नहीं सकती है, इसलिए ये गांव में लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती है ये। इसमें क्या गलत है ना बच्चा? देखिए आप नहीं जानते, गांव वाले ये कहकर इसका मजाक उड़ाते हैं कि आपकी लड़की अभी तक जवान नहीं हुई और ये एक लड़का है। कहां से कहां बात जोड़ रही हो, पता नहीं वो क्या करती हैं और क्या खाती हैं इसलिए जल्दी जवान हो जाती हैं। इसकी सेहत अच्छी है, खेत की ताजी सब्जियां खाती है इसलिए इसे कोई बीमारी नहीं है। अरे सब सही समय पर हो जाएगा, जाओ मजदूरों से कहो सही समय पर आ जाएं। कैसी रही? तुम दोनों की हरकतों से मुझे डर लगता है। पूरा गाँव इस गब्बर से डरता है और ये हमारी हरकतों से डरती है।